भाई आंगन में बिल्कुल बहुत ही गंदगी हो गई है, और ये इतनी लंबी सीढ़ी भी लानी पड़ी ऊपर चढ़ने के लिए, काफी ऊंचा था। और ये यहाँ पे एक मंकी भी चढ़ गया है, ये मंकी इधर मुंह नहीं कर रहा है, ये मंकी अब सीढ़ी पे चढ़ रहा है। बहुत काम फैल गया, सब पूरे घर गंदा गंदा हो गया है, सब सब साफ करना पड़ेगा। आज तो मेरा खाना भी सब लेट हो गया और कुछ भी नहीं बना अभी, बहुत भूख लग रही है। अब हम लोग अपना वीडियो बंद करके चलते हैं, खाना पीना बना लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आज मेरा काम बहुत लेट हो गया क्योंकि आज मेरे यहाँ गैस की पाइपलाइन पड़ रही थी, और वो जो सिलेंडर वाला वो होता था, सिलेंडर से जो हम लोग खाना बनाते थे गैस में, अब वो नहीं हो पाएगा। और पूरे में पाइपलाइन पड़ गई गैस की, चलिए आपको दिखा देती हूँ कहाँ से क्या लगी है। और वो लोग अपना कुछ फिक्स जो होता है पाइप वो आपको देते हैं, इसके बाद जितना भी लंबा जितना भी एक्स्ट्रा पाइप लगेगा उसका पेमेंट आपको करना होता है। तो आज सुबह से ही मेरे यहाँ वही काम हो रहा था, तो आज मेरा सारा काम लेट हो गया। चलिए आपको दिखा देते हैं, यही वो मीटर है गैस जो लगाया जाएगा पाइप से जो गैस आएगी उसके लिए। और ये यहाँ का मेन गेट है, यहाँ से अब मैं अंदर चलती हूँ। ये है हमारा आंगन, और यहीं पे ये पाइप आया है ऊपर छत से चल के। किचन के अंदर यहाँ से देखिए, यहाँ से ये खोद कैसे लाई गई है पाइप, और ये ऊपर अलमारी पे साइड साइड लाते हुए, और ये यहाँ से ऐसे नीचे लाई गई है। और ये पाइप ऐसे नीचे आया है और यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया है, और गैस जो रखी है वो इतनी दूरी पर रखी है। अब जब भी हम लोगों को एक गैस का कनेक्शन लेना होगा तो वो पाइप सीधे यहीं से ऐसे, तो ये पाइप का इस लग गया है। देखिए ऐसा मीटर ये गैस के लिए लगा है, अब इसी पाइप से गैस आएगी और ये सिलेंडर वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब ये ऐसे मीटर देखिए ऐसे लगा के, और ये पाइप ऊपर से जाके और ये जाल में से ऊपर गया है, और यहाँ से ये अंदर किचन के लिए होल किया गया है। ओ तो आज बहुत काम फैल गया, सारा शीशा गंदा हुआ पड़ा है, और नीचे भी देखिए सिंक में सारी मिट्टी आ गई, सब कुछ गंदा हो गया। अब मुझे यहाँ सब सफाई करनी पड़ेगी। तो मैंने किचन का और आंगन का पाइप लाइन कैसा पड़ा है ये आपको दिखाया, अब मैं चलती हूँ छत पे, और छत का जो पाइप लाइन है वो भी आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे पाइप आया है। मेरा किचन बहुत पीछे है, घर आगे को काफ़ी बना है और पीछे है काफ़ी, तो इसलिए पाइप भी बहुत लंबा हम लोगों को लगवाना पड़ा, पूरी छत कवर हो गई। तो गाइस हम लोग आ गए हैं छत पे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कहाँ से पाइपलाइन स्टार्ट हुआ है। तो पाइपलाइन स्टार्ट हुआ है यहाँ से, यहाँ से चलते चलते इस कॉर्नर से होते होते ये, आज इतना लेट हो गया कि आज खाना बनाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, तो अब समोसे से ही काम चलाना पड़ रहा है। अब खाना तो अब शाम को ही बन पाएगा, आज बहुत लेट हो गया।